टाइम ना है भाई। अच्छा चाय बनाए, चाय ओह 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 क्या मस्त व्यू है यार, क्या मस्त व्यू है। टेंट के ऊपर ना जो ओस पड़ी है ना, ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना, फोग सी उड़ रही है। ये देखो, वाह यार, दिखाते हैं बाहर का व्यू भाई। सुबह सुबह ना खेती बाड़ी करने लग गए लोग। हर्ष भाई तेरे टेंट से भी दुम्मे उठ गए हैं। ओ भाई ये देखो भाई, इधर ट्रैक्टर चल रहा है छोटा सा, आगे चल के दिखाता हूँ भाई। क्या मस्त नजारा है, बहुत अच्छी नींद आई, मजा आ गया। हर्ष भाई नींद आई अच्छी? सूर्य देवता कितने मस्त लग रहे हैं भाई, पहाड़ की चोटी के ऊपर से काफी दिनों बाद ऐसा व्यू दिखाई दिया है ना, मस्त। और ये देखो भाई, इधर ट्रैक्टर चल रहा है, किधर से निकलेगा ये पता नहीं लग रहा। ये ट्रैक्टर स्टार्ट था सुबह, अर्ष ने सोचा कोई किसी ने बाइक स्टार्ट कर रखी है भी लेके जाएगा, बोल रहा था बाइक किसी ने स्टार्ट की। मैं क्या, ट्रैक्टर स्टार्ट है, ये वाला ट्रैक्टर है छोटा सा, देखो हाथ से चलता है ये। भैया बोल रहे थे अभी 2 साल पहले ना यहाँ पर बैलों से खेती होती थी, अभी ये ट्रैक्टर आए हैं ना तब इनसे खेती होने लगी है। ठीक है भाई, सूर्य देवता निकल चुके हैं। आज की मॉर्निंग काफ़ी मस्त सी मॉर्निंग हुई है भाई। ये चीज़ मस्त लग रही है, दोनों टेंट के ऊपर ओस है ना, तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, धुएं फोग से उठ रही है, मतलब वाष्प बन के। ये देखो ठीक है भाई, सबसे पहले मुँह धोते हैं, पानी पीते हैं, फिर कॉफ़ी बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपको अच्छे तरीके से। और भाई व्यू चेक करो, लो भाई इधर रेडी हो रही है अपने गर्मा गर्म सुबह सुबह की कॉफी भाई। दूध को उबाला देख के फिर मैं ना उसमें कॉफी डाल दूंगा, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा कॉफी में ताकि अच्छी तरह मिल जाए भाई। कॉफी अपनी रेडी हो चुकी है भाई। ओ भाई भाई गर्म 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 है नहीं है जिसके साथ पकड़ के डाल, ओह कॉफी का पाउच है इसके साथ ही डाल लेते हैं। चलो भाई चलो भाई खो पी। ओह वाह, अर्श भाई तो ब्लैक कॉफी पीते हैं भाई। हाँ तो लो भाई पी लो सभी। मस्त बने हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की मॉर्निंग बड़ी ही मस्त हुई थी भाई, ऐसी खूबसूरती घाटियों से वादियों से, गांव का नाम तो भूल गया कल भैया ने बताया था, चलो छोड़ो भाई। फिलहाल अभी हम रेडी कर रहे हैं जी खाना, मेरे को तो भूख नहीं, मैं तो खाना अभी बनाऊंगा नहीं, मतलब खाऊंगा नहीं कुछ। अर्श भाई हल्का फुल्का कहेंगे, मैं इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि सुबह मैंने 2 सेब खा लिए और उसके बाद एक सब्सक्राइबर भैया आए थे, वो ना जो सोन पापड़ी होती है ना वो लेके आए थे एक डब्बा, तो वो खा ली तो अब इच्छा ही नहीं खाना खाने की। वो एक डब्बा लेके आए थे अजदीप और मेरे लिए, और वो पूरा डब्बा मैंने अकेला खा लिया। अकेला का पड़ा है ये देखो भाई, डब्बा डब्बा दिखाता हूँ, फुल का फुल पड़ा है, थोड़ा सा खाया मैंने। ये देखो भाई ये डब्बा है सोन पापड़ी वाला, और खोल के दिखा देता हूँ। अरे निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अब पता है मेरे को, पता तूने मीठा छोड़ दिया। ये देखो भाई आधा खाया है, 250 ग्राम से आधा। इधर कैमरा दिखाओ, इधर कमेंट करके बताओ ये आधा कहाँ से है। भाई एक एक चीज देखो भाई, देखो 250 ग्राम का है ना, 250 ग्राम में से मैं 100 ग्राम छोड़ दिया, मतलब 150 ग्राम खाया, कुछ ज्यादा है। इतना मीठा आम इंसान खा जाता है, जो इंसान है, जो इंसान नहीं वो मीठा क्या खाएगा। ठीक है भाई, तो ये खा लेता है, अब भूख नहीं है, फिर मैंने सोचा अगर भूख लगेगी रास्ते में कोई चाय पानी के साथ कुछ खा लेंगे। और से भाई अपने लिए हल्का फुल्का बना रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा डाइटिंग पे चल रहे हैं ना इस चक्कर में। ठीक है ये बनाते हैं कुछ अपने लिए खाना पीना, तब तक मैं नहा लेता हूँ इस नदी में,
ठंडा ठंडा पानी है, कल वाली नदी है, वैसे ही पानी होगा, बीच में छोटी छोटी मछलियाँ। यहाँ नहा लेते हैं, बर्तन वगैरह धो देते, मैंने अच्छे तरीके से सब काम निपट चुका है। पर सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ ये जो टेंट है ना ये पैक कर लेता हूँ, क्योंकि टेंट पैक हो जाएगा, सामान सारा रेडी करके फिर अपना आराम से नहा के यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि नहाने के बाद नहीं तो फिर गंदा होना पड़ जाएगा, हाथ वगैरह गंदे हो जाते हैं टेंट पैक करते हो, तो इसलिए पहले टेंट पैक करते हैं, काम निपटाते हैं, फिर अपना नहाते हैं और उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं आगे कुसानी की तरफ। कुसानी बड़ा खूबसूरत है बोलते हैं, जाकर देखेंगे। बाकी कुसानी तो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि कुसानी पास में है तो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा ना अर्श भाई, है ना। जा रहे हैं आज बैजनाथ मंदिर देखने के लिए। अच्छा बैजनाथ कितने किलोमीटर है यहाँ से? बैजनाथ ज्यादा नहीं, 20 किलोमीटर करीब है। बैजनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर उससे भी आगे चले जाएंगे। बैजनाथ दर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक मंदिर है इस रूट के ऊपर। अच्छा, वैसे तो सन टेंपल भी है, बहुत सारे भी है, लेकिन मेरा मन था बैजनाथ मंदिर जरूर एक्सप्लोर करें भाई, तो वहाँ एक्सप्लोर करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे बद्रीनाथ धाम के लिए, ठीक है। और हमारा अब मिशन थोड़ा ऐसा रहेगा, हम सीधा भी जल्दी जल्दी जाएंगे बद्रीनाथ धाम की ओर, वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग तक केदारनाथ वापस आ जाएंगे। पहले हम सोच रहे थे सीधा केदारनाथ जाएं, बट अब बद्रीनाथ भी ऐड कर दिया, जाएंगे मजे से मस्ती से अच्छे तरीके से। दौड़ते हुए नहीं जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाते हुए जाएंगे। हाँ, यहाँ तक दिखाते हुए जाएंगे जब तक मेन हाईवे पर जाएंगे, उसके बाद तो फिर सफर काफी ज्यादा निकालने लग जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आज बैजनाथ चलते हैं, उसके बाद बैजनाथ जी के दर्शन करके उसके बाद निकलते हैं, कोई जगह ढूंढने लग जाएंगे, चाहे कितनी दूर जाके मिले, उसके बाद अपना आज की कैंपिंग हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं जल्दी जल्दी भाई। मैं तो नहा के रेडी हो चुका हूँ भाई, सामान भी पैक कर लिया लगभग सारा मैंने। अभी अर्श भाई जा रहे हैं नहाने के लिए, और दूध रखा गैस के ऊपर, दूध की राखी करनी पड़े कभी बाहर ना निकल जाए, तो जब तक अर्श भाई आएंगे दूध गर्म कर लेंगे, चीनी डाल के थोड़ा मीठा डाल लेंगे। प्रोटीन वाला हो चुका है उसमें, मक्खी तू मीठा डालेगा, मक्खी गिर चुका है, प्रोटीन वाला हो चुका है, मक्खी नहीं है, छोटे छोटे कीट है, निकल जाए कुछ नहीं, प्रोटीन ही मिलेगा। तू मीठा डालेगा? नहीं, मेरे को मीठा ही डालना है। ठीक है भाई, इसका ऐसे निकाल दो, मैं थोड़ा मीठा डाल के पी लूंगा, उसके बाद अपना यहाँ से निकल जाएंगे आगे की ओर। लो भाई अपना दूध रेडी हो चुका है, थोड़ा सा और कट जाए ना, मतलब उबल जाए, फिर पियेंगे आराम से। लगभग दोनों भाइयों की पैकिंग हो चुकी है भाई, मैंने सामान बाइक पे बांध दिया, कंप्लीट है। अर्श भाई का भी लगभग कंप्लीट हो गया, बस निकलने का टाइम है। साफ सफाई हमने कर दी, वो थोड़ी बहुत जो बोतल आएगी वो भी अपनी लेके जानी है, लिफाफे में साबुन है वो भी लेके जाना है, डिस्पोजल है चाय के लिए रखे ये भी लेके जानी है, सफाई सारी करते हैं हम, ठीक है। चलो भाई, लो भाई अभी मेन हाईवे के ऊपर आ चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। आज ना निकलते निकलते काफी लेट हो गए, बट कोई चक्कर नहीं, बैजनाथ ही जाना, 20-22 किलोमीटर है, आराम से पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। 10 किलोमीटर कोसानी है यहाँ से, वो देख के फिर सीधा निकल जाएंगे आगे। अपनी बाइक में ना पेट्रोल बहुत कम था, फिर मैंने सोचा आगे पेट्रोल पंप मिले ना मिले तो यहाँ से ऑयल डलवा लेते हैं, पास में मिल गया था। अर्श भाई तो आगे निकल चुके हैं, पता नहीं कितनी दूर जा चुके होंगे, ठीक है ऑयल डलवा के निकलते हैं यहाँ से। कुसानी कितना यहाँ से? 8 किलोमीटर। और बैजनाथ 24। ठीक है भाई, आगे पेट्रोल पंप तो कुसानी पे मिल जाता ना वैसे, आगे ठीक है। चलो मैंने सोचा यहीं से भरवा लेते हैं, ओके गूगल पे चलता है ना, ओके ओके। पहाड़ों में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, जहाँ पेट्रोल पंप दिखाई दे पेट्रोल भरवा लेना चाहिए, क्योंकि क्या अब तक कहाँ जाके पेट्रोल पंप मिले। लद्दाख जैसा एरिया हो ना फिर तो कहना है क्या भाई, वहाँ तो मिलता ही नहीं है कितनी दूर दूर तक। यहाँ गांव काफी पास पास हैं, अभी गांव पीछे एक छोटा दूसरा फिर शुरू हो गया। वहाँ पर गर्मी लग रही थी, धूप सीधी लग रही थी ना, इस वजह से अभी चले हैं, अभी ठंड लगने लगी है, कैसा मौसम हो रखा है। इधर ना बैल से खेती की जा रही है, देखो भाई पहले हरियाणा में बैलों से खेती होती थी काफी काफी टाइम पहले, बट अब तो ट्रैक्टर आ गए ना इसलिए, बट इधर अभी भी कहीं कहीं खेती आपको बैलों से देखने को मिलेगी। पीछे जहां रुके थे वहां पर ट्रैक्टर से हो रही थी भाई, देखना कितना खुला एरिया है खेती का। अभी ना वहाँ नेटवर्क कम था ना जहाँ पर रुके थे, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, वीडियो अभी कुसानी में ना जाके करेंगे, 3 किलोमीटर रह गया, जल्दी पहुंच के ना पहले वीडियो अपलोड करते हैं। भाई कुसानी 1 किलोमीटर रह गया, पहाड़ के टॉप पर बसा हुआ है कुसानी, काफी ऊपर आ गया भाई, वो देखो वहाँ नीचे से चले थे
चलते चलते कहाँ आ गया ऊपर, और अभी कुछ आ नहीं रह गया 500-700 meters। अर्श भाई अभी भी नहीं आए, किधर रह गए पता नहीं लगा। आगे जाके रुक जाते, कहीं चाय की दुकान मिल जाए, चाय पी लेंगे, वीडियो अपलोड कर लेंगे। स्वागत है जी आपका कोसानी में। शुरुआत हो गई है कोसानी की, होटल वगैरह दिखने लग गए हैं बड़े बड़े भाई, हर जगह मंकी मिलेंगे। एंटर बाद में, रूम वाले पहले आगे, सर रूम चाहिए उनको, क्या पता कैंपिंग वाले बंदे हैं। भाई जी अर्श भाई भी आ चुके हैं, कोई ढाबा ढूंढ रहे। अब यहाँ पर एक मेन चौक है बीच में कोसानी का, शायद यही मेन चौक होगा बस इधर का कोसानी का, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट लोकेशन मस्त है। बात कुछ ऐसी हुई है, यहाँ भी स्पीड ज़्यादा नहीं नेटवर्क की, वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर हमने सोचा चलते रहते हैं, जहाँ होगी वहीं पर जाके पब्लिक कर देंगे, यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेट होगी दिक्कत हो जाएगी ना, होगी ना समस्या, इससे अच्छा चल लेते हैं, आगे व्यू देखते रहते हैं, चलते रहते हैं शाम तक, फिर कैंपिंग की जगह भी ढूंढनी है ना, नहीं तो एक घंटा ख़राब हो जाएगा यहाँ लगभग, वीडियो अपलोड करते लग जाएगा ना। ठीक है चल भाई। कोसानी ना छोटा सा है बट काफ़ी ब्यूटीफुल, और यहाँ से व्यू भी अच्छे दिखाई देते हैं, पर हमें वीडियो अपलोड करने से जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ा। बैजना 17 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, ऊपर साइन बोर्ड लगा। जल्दी से चलते हैं, जहाँ पर नेटवर्क अच्छा होगा ना वहीं पर वीडियो अपलोड कर लेंगे, ज़्यादा समस्या वीडियो वाली भी होगी साथ में। यहाँ से ना हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई देती है अच्छे तरीके से, आगे चल के दिखाता हूँ, थोड़ी जगह मिलेगी ना जहाँ पेड़ पौधे ना आएंगे, वहाँ से दिखाई देगा आपको, दिखाता हूँ। लो जी चेक करो हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो भाई कितनी खूबसूरत है भाई, देखो बर्फ ही बर्फ है और बादल छाए हुए हैं भाई, ऊपर सारा वाइट वाइट हो रखा है, तभी तो कोसानी फेमस है यहाँ। यहाँ से ना बर्फीली चोटियाँ का व्यू दिखते ना, इसलिए भाई। लो भाई जी मेरे को लगने लगी ठंड बात है, तू सही का है, तू टाइम से जैकेट डाल लेता, पर वहाँ गर्मी थी ना। मैं ही मेरी ऐसी जैकेट है, मैं पहन के रहता हूँ, उतारता ही नहीं वाली। अच्छा मेरे वहाँ गर्मी लग रही थी ना जहाँ रुके, हाँ। इस चक्कर में। ओ भाई अब ठीक है, ठंडा इलाका शुरू हो गया है, ठीक है भाई अब टेंशन नहीं है, रोज यही काम होता है। जरूरी भाई, जैकेट वैकेट पहन लो ना, ठंड से बच जाते हैं, और फिर पता है क्या होता है, अगर एक बार ठंड लग गई तो पूरी ट्रिप खराब हो जाती है। खराब हो जाती है, हाँ ये जुकाम ही ठीक नहीं होता फिर। हाँ चलो वैसे जुकाम तो लग चुका आप दोनों को इतना तो रहता है इधर ठंड, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते भाई, ठंड है तो जुकाम तो लगेगा ही, इतना रहता है। हाँ चलो 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 आगे दर्शन करेंगे, बहुत सारी चीजें, जल्दी चलो जल्दी। सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं, बस शाम हो ही दिखती है भाई। हाँ थोड़ी जगह अच्छी थी और यहाँ से व्यू भी तगड़ा दिख रहा है, अब दिखाई देंगे हिमालयन के बर्फीले पहाड़, यहाँ से क्लियर दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ से खूबसूरत लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है बिल्कुल पास है ना, ऐसे चले जाएंगे हम छाल लगा के बिल्कुल पास लग रहा है, ऐसे लग रहा है इन पहाड़ के ऊपर वाला है ये सामने, हम सब देख रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के। हाँ हमें तो इनके आसपास ही जाना है। मंकी इधर ना वूलन के कपड़े बहुत ज्यादा, शॉल वगैरह होते हैं ना वो काफी ज्यादा थे, मशीने भी रखी थी जो बनाती है हाथ से बनाते ना कपड़ा, वो वाली मशीनें थी। ये देखो इधर काफी कुछ है, पीछे ना एक बोर्ड लगा था और लेफ्ट साइड डायरेक्शन करके लिखा था चाय बागान टी गार्डन, जैसे इस पे लिखा है, शायद यहाँ चाय के बाग है भाई, चाय बागान टी स्टेट कोसानी। ठीक है भाई, कोसानी में भी चाय के बाग है, पता लग गया पता नहीं था, मैं तो सोचता था असम हिमाचल में भी कुछ एरिया है चाय का, बाकी केरल की तरफ तो है ही है, सारे टी गार्डन है ऊपर भाई, ये देखो नीचे भी होंगे और ऊपर वाले देख गया भाई। जनाब यहाँ से 9 point कुछ किलोमीटर आ गया ना, लगभग 9 ही लगा लो भाई, और आज का स्टे हमें लग रहा है बैजनाथ ही करना पड़ेगा, जब तक बैजनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। तो ठीक है देखते हैं, अगर टाइम बचा क्रॉस कर जाएंगे, आगे जाके कैंपिंग कर लेंगे ढाबा ढूंढ के, नहीं तो बैजनाथ के आसपास ही देख लेंगे। लो जी यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, केदारनाथ 205 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 225, गंगोत्री 390 और यमुनोत्री 385। बद्रीनाथ जाना 225 किलोमीटर है, उसके बाद वापस आके फिर केदारनाथ जाना है। बैजनाथ मंदिर 5 किलोमीटर रह गए यहाँ से, मेरे को लग रहा है बैजनाथ नहीं, बैजनाथ नहीं, गरुड़ लिखा है गरुड़।
गरुड़ की मार्केट ना काफी बड़ी है भाई, कब से स्टार्ट हुई देखो इतनी लंबी है, हर फैसिलिटी काफी बड़ा शहर है भाई। मेरे को लगता है गरुड़ और बैजनाथ एक साथ टच में ही है भाई, शायद ये सामने वाली बैजनाथ मंदिर है, पुराना दिखाई दे रहा ना, ये वाला सीमेंटेड सा लग रहा है, पत्थरों का है बट कलर सीमेंटेड सा लग रहा है, पुराना है ना इस चक्कर में भाई। और बैजनाथ बैराज भी है, बैराज मतलब बांध वगैरह कुछ ऐसा ही है, ये मेरे को झील सी लग रही है ना, ये शायद बांध ही होगा बैजनाथ बैराज भाई, काफ़ी अच्छी जगह है ये भी बैजनाथ, कितना बड़ा है ये भी बैजनाथ, पर गरुड़ से बड़ा नहीं है भाई, और यहाँ से हिमालय दर्शन भी होते हैं और आप बैजनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। चलते हैं आपको अच्छे तरीके से दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर पार्क वगैरह दिख रही है, वहीं कैंपिंग की जगह ढूंढ लेंगे, कोई किसी से परमिशन ले लेंगे, परमिशन मिल जाएगी भाई। मंदिर का रास्ता तो यहाँ से है बट ये बंद रहा है, रास्ता तो बंद है भाई, पैदल और बाइक से जाना, तो अगर बाइक से जाना आगे से रास्ता है, कोई बाइक के लिए नहीं है आगे से है, बोल रहे हैं आगे से वही कैंपिंग की जगह मिल जाएगी ना। चल पुराने घर भी हैं काफी ज्यादा, मंदिर भी पुराना भाई, पुरानी ही सिटी होगी ये बैजनाथ। तो भाई जी यहाँ से रास्ता बैजनाथ पार्किंग का भी और मंदिर जाने का भी, पार्किंग ऊपर भी दिखा रखी है बट नीचे भी दिखा रखी है, ये लोहे का लगा है ना पाइप सा, निकलना मुश्किल है, ए निकल जाएंगे, चलते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग थी, शायद मेला वगैरह कभी लगता होगा ना उसके लिए ज़्यादा बना रखी है, अभी कोई है नहीं है, हम दोनों ने बाइक यहाँ लगा दिया है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत व्यू है, डैम भी है ना, आँखों में ना मच्छर चला गया, हेलमेट का शीशा खोल रखा था ना तो इसलिए भाई। यहाँ है जी बैजनाथ बैराज मतलब डैम, ये देखो भाई वो वाला सामने लिखा हुआ भी है बैजनाथ बैराज, ठीक है ना। इधर से डैम नहीं हो सकता शायद, ये खेतों में सिंचाई के लिए कुछ सिस्टम है उसी का बनाया हुआ है, यहाँ पर पानी एकत्रित हो रखा है, इसके बाद आगे वो कपाट से लगे हैं वहाँ से पानी आगे जाता है। एक रास्ता इधर से भी सीधा बाइक का जाने का भाई, वो देखो साथ साथ डैम है, छोटा डैम है वो, ना ना डैम नहीं है, बैराज अलग चीज़ होती है पानी वगैरह खेती के लिए। वो सामने मंदिर है भाई वहाँ पर, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी सामान है ना हमारे पास, एक एक करके जाते हैं मंदिर के दर्शन करके आते हैं, फिर आके कैंपिंग की परमिशन ले लेंगे यहाँ पर कहीं, है ना, यहीं लगा लें, अगर यहाँ परमिशन मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बाकी देखते हैं क्या बनता है, फिलहाल चलते हैं भाई। बाइक उधर पार्क कर दिए, सामान ऊपर ही है, एक बैग लेके आ गया जो मेरे पास है, मतलब जिसमें सामान पैसे वगैरह, तो इधर कोई नहीं छेड़ेगा, वैसे भी कोई है ही नहीं आसपास, तो अभी चल रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने बैजनाथ मंदिर के। इधर बोटिंग वगैरह भी है, वो देखो बोट है, ऊपर ना तिरपाल डाल दिया मतलब कवर कर दिया ना, इस टाइम कोई आ नहीं रहा इस चक्कर में, तो इसलिए भाई काफ़ी खूबसूरत सी जगह भाई, शांत सी जगह है, और इधर ये छोटी सी झील टाइप बनी हुई है, चलते हैं मंदिर और इधर अंकुश, और हाँ। पहले हमारे साथ ये भाई जी, इधर इन बोटिंग का बस स्टैंड है जैसा होता है नॉर्मली, चलते हैं आगे, बोट वगैरह भाई इन्होंने कवर कर दिया टाइम से, थोड़ा सा लेट हो गया भाई, थोड़ा सा मतलब रोशनी में जाते ना तो अच्छे तरीके से आपको भी दर्शन हो जाते, अभी थोड़ा अंधेरा है ना तो इतनी क्लियर वीडियो आ नहीं पाई, बाकी जितना होगा उतना दिखाएंगे, और अंदर पता नहीं परमिशन है या नहीं वो जाके पता लगेगा। लो भाई जी पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर, मतलब बाउंड्री इधर तो है नहीं, खुला है ऐसा, और इधर से पानी ऊपर जा रहा है कहीं, चलते हैं दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं जी। इधर जूते उतार दिए क्योंकि हम बैक साइड से है ना मंदिर के, इस चक्कर में सीधा आते तो बिल्कुल साथ में जूते उतारते, फिलहाल यहाँ से चलते हैं, सीधा वही रास्ता था जो भैया जी अभी बना रहे थे, बोल रहे थे बंद है, इधर से ऊपर चढ़ने का रास्ता छवो रही सीढ़ियाँ। ये बहुत पुराना मंदिर है यार, काफी ज्यादा पुराना, इधर लिखा है भाई ये जो बैजनाथ मंदिर है ना ये 9वीं और 10वीं सेंचुरी में बना हुआ है, काफी पुराना है देखो। बाबा जी ने अंदर वीडियो अलाउड नहीं की, हम दर्शन कर रहे हैं, बाकी अंदर शिवलिंग है गोल्डन कलर का है, ऊपर नाग देवता की फोटो बनी हुई है।
अभी ना पुजारी जी से परमिशन ले लिया, बोले वहां पर कैंपिंग कर लो, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अपने सामान के पास जहाँ कैंप लगाना है। अर्श भाई बोल रहे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो पार्किंग वाली जगह पर पहुंच गए जहाँ पर कैंप लगाना है। तो अभी जल्दी से कैंप लगा दे, तब तक अर्श भाई आ जाएगा, फिर चलेंगे खाना खाने के लिए। पास में ढाबे होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो भाई अर्श भाई आ चुके, आरती में गए थे, आरती खत्म होगी फिर आया। हाँ जी हाँ जी, प्रसाद भी लेके आया, भाई को प्रसाद भी खिलाया। ठीक है भाई, कैंप मेरा लग चुका। अर्श भाई बोल रहे मैं आके लगाऊंगा, तो पहले चलते खाना खाने, भूख लगी बहुत ज्यादा दोनों भाइयों को, क्योंकि सुबह खाना खाया नहीं आज हमने, बस हल्का फुल्का सा खाया था इस चक्कर में। तो भाई जी खाना अपना आ चुका भाई, ये मिक्स वेज है, मतलब गोभी है और मटर है, आलू है, और भाई इधर है जी पहाड़ी दाल, सोयाबीन वगैरह बीच में मिक्स है, साथ में दही है और सलाद है साथ में। और अर्श भाई खा रहे हैं केवल दाल, दाल वो भी पहाड़ी दाल। कली दाल खाएगा? कली दाल, वो भी पहाड़ी दाल, वो भी पहाड़ी दाल। ठीक है, मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा पहाड़ी दाल खा के। पहाड़ी हाँ हैवी होती है ना, अच्छी होती है। हाँ ठीक है भाई। लो भाई खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा राउंड लगा के भी खाना पच जाए, तो इधर उधर राउंड लगा के पानी की बोतल लेके दोबारा वहीं पर आ चुके जहां पर कैंप लगाया था। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।